सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की फिल्म होने वाली है। बात ये एक मिक्स मसाला मिलेगी, लॉट ऑफ इमोशंस, रोमांस, बट मेनली कॉमेडी। इसका कुछ ब्रीफ स्टोरी लाइन दे पाएंगे किस तरह का इसका मोड? स्टोरी लाइन बताना तो बहुत ठीक नहीं होगा ऐसा, लेकिन इतना बताऊं कि फिल्म में दो गोविंदा मिलेंगे। दो गोविंदा है, एक गोविंदा के अपोजिट रवीना है। ये गोविंदा जो है कव्वाल है, दूसरा गोविंदा जो है वो थोड़ा मेंटली डिरेंज्ड है, उसके साथ में प्रीति जांगियानी है। तो इस तरह का एक सेटअप है, और गोविंदा के दादा हैं शमी कपूर जी। तो इस तरह के सेटअप में सारी फिल्म है। किस तरह का मतलब यू नो व्हाट यू आर एक्साइटेड टू कम अप विद अ सब्जेक्ट लाइक दिस? व्हेन आई रेड द सब्जेक्ट, दिस वाज गिवन टू मी रेडीमेड। दिस वाज अ कंप्लीट सब्जेक्ट दैट केम टू मी आफ्टर इट वाज कंप्लीटेड। तो जब मैं सब्जेक्ट लिया, आई वाज मेकिंग समथिंग एल्स अर्लियर बिफोर दिस। I had completed that subject, and when this came across, मैं सोचा नहीं this is a better subject, and I took over and I made this subject. It was because of all these ingredients, a fine blend of romance and emotions and comedy which would suit Govinda. You know, such a nice blend it was that I took up this subject and I made it. Govinda, आपके पहले दो फिल्मों में भी आ चुके हैं। परदेसी बाबू हद कर दिया आपने, तो व्हाट इज इट दैट यू नो लाइक इज इट दैट यू अ गोविंदा यू नो मतलब गोविंदा के साथ तीसरी फिल्म लगातार? वो हर बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं पहली फिल्म बना रहा था तो दूसरी फिल्म की प्लानिंग हो गई, दूसरी बना रहा था तो इस फिल्म की प्लानिंग हो गई, तो वो हर बार मेरे साथ वही होता चला गया। तो मुझे पता ही नहीं चला कब मैं पहली बनाई कब कंप्लीट की और दूसरे में एंटर हो गया, कब दूसरी कंप्लीट करके तीसरे में एंटर हो गया। इट वॉज यू नो जस्ट बाई चांस। फिल्म की जो दूसरी कास्ट है यानी कि रवीना टंडन, प्रीति जंगियानी, तो उसे उन्हें किस बेसिस पर आपने चूज किया? वो जो एक कव्वाल कैरेक्टर जो है उसके साथ में कव्वालन है, उसके लिए रवीना एप्ट थी बिल्कुल, और कोई मुझे दिखाई नहीं दिया जो उस वो रोल परफॉर्म कर सकती। और दूसरे कैरेक्टर जो थी जो प्रीति जंगियानी ने प्ले किया है, वो आई वॉज सर्चिंग फॉर समबडी फॉर दैट कैरेक्टर टिल द लास्ट मोमेंट। जब मैंने फिल्म शुरू की उसके 5 दिन पहले मैंने प्रीति को साइन किया था, एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ। आई वांटेड अ फ्रेश न्यू फेस, नॉट न्यू एग्जैक्टली बट अ फ्रेश फेस फॉर दैट कैरेक्टर एंड दैट रोल। तो प्रीति को फिर मैंने कास्ट किया। गोविंदा अपने कॉमेडी के लिए काफ़ी जाना जाते हैं, तो क्या ये फिल्म भी उसी तरह की एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है या कुछ अलग होगा? कॉमेडी होगी, लेकिन वो जिस तरह की कॉमेडी की आप बात कर रहे हैं उस तरह की कॉमेडी नहीं होगी। लाइक आपने पहले भी मेरी फिल्म देखी हद कर दी आपने, वो टिपिकल जिस तरह की कॉमेडी की आप बात कर रहे हैं वैसी कॉमेडी नहीं थी, अलग तरह की कॉमेडी थी। ये भी अलग तरह की कॉमेडी मिलेगी आपको। गोविंदा का आपको लगता है इस वक्त मार्केट इतना ऊपर नहीं है, या आपको फिर भी लगता है कि वो अभी भी एक काफ़ी जाने हुए हैं? बिल्कुल, लेकिन अब मार्केट की जहाँ बात कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से किसका मार्केट अच्छा है आप ये बताइए। मैं काउंटर क्वेश्चन करके ये सवाल पूछूंगा, मार्केट ओवरऑल खराब है इस वक्त। आपको लगता है गोविंदा सिर्फ कॉमेडी रोल्स में ही अच्छा कर सकते हैं, या और भी तरह के रोल्स वो करना चाहें तो उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं? नॉट बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड एंड आई एम हिज डायरेक्टर, मैं इस तरह की बात बोल रहा हूँ, बट और मैं क्या बोल रहा हूँ सारा हिंदुस्तान ये बात बोलेगा कि ही इज़ द बेस्ट एक्टर दैट वी हैव टुडे इन आवर कंट्री। तो वाई ओनली कॉमेडी फिल्म्स एंड कॉमेडी रोल्स? इट इज़ ओनली दैट ही इज़ डूइंग कॉमेडी फिल्म्स एंड कॉमेडी रोल्स एंड ही इज़ एक्सेप्टेड वेरी वाइडली इन दैट। अदरवाइज ही इज अ कंप्लीट एक्टर। आप उसकी कोई इमोशनल फिल्म भी उठा के देखिए, बहुत अच्छा काम करता है वो, कोई एक्शन फिल्म भी देखिए बहुत अच्छा, उसकी तरफ से उसके परफॉर्मेंस में कहीं पे कोई किसी तरह की कमी नहीं रहती है। ये किसी तरह की लव ट्रायंगल तो नहीं होगी? ये लव ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल। इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आई हैव टू गोविंदा। व्हाट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म? म्यूजिक, आई हैव अ फैबुलस म्यूजिक केटरिंग टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। I have nice melodies also, I have item numbers also, I have to, I must mention this, I have an English song in the film, jo Govinda ne khud gaya hai, and I think people will like that immensely. Film ke locations ka naam kuch bataenge, kahan kahan? Maine almost sari film sets pe ki hai, maine 2 set Bombay mein lagaye the, 2 set Hyderabad mein lagaye the, aur
आउटडोर मैंने स्विट्जरलैंड में किया, तो फिल्म को एक रिच लुक मिलता है उससे। इसके अलावा आपके और कौन से सब्जेक्ट इस वक्त किसी पर आप काम कर रहे हैं या कुछ लाइन अप है? इस वक्त मैं काफ़ी 3-4 सब्जेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, जैसे कौन सा किस वक्त में लेके सेट पर जाता हूँ। ये फिल्म के प्लानिंग में कितना समय लगा आपको और शूटिंग कितने समय में? 6 महीना मुझे प्लानिंग में लगा, 4 महीने में फिल्म कंप्लीट कर दिया। What do you think is going to be the highlight of the storyline, of course, but apart from that, my characters, my two Govindas, jo maine pehle bataya, my two Govindas, one who's mentally deranged, the other who's Hyderabadi kapal, he's from Hyderabad and a kapal. These two characters, the character of Shami Kapoor ji will be a very big highlight. People will appreciate him, and over and above all this, Shami ji has danced with Govinda. So you know, Shami Kapoor ji dancing after 30 years, and that too with Govinda, who's very well known as a dancing star also. So that should be a highlight of the film. What are your expectations from this film? Look, my first film was an average, second was a hit. Let me expect a super hit this time. Cool. Thanks.